कमलनाथ जी ने पूरी जिंदगी आप लोगों के उत्थान, आपके बच्चों के उत्थान, आपके जो गई पीढ़ी उसके उत्थान के लिए निकाली। अरे कुछ भी किया उन्होंने, पर छिंदवाड़ा में जितनी सड़कें हैं, देश प्रदेश में कहीं भी है, जितने स्कूल यहाँ है वो कहीं भी नहीं है, जितने रोजगार के संसाधन यहाँ है कहीं भी नहीं है। जो लोग आज चिल्ला चिल्ला कर सवाल करते हैं, उसको इस लायक अगर किसी ने बनाया कि वो बोल के बात कर सके इस माइक पे, तो यही 40 साल की सेवाएं थी। आप लोगों ने अभी कमलनाथ जी हारे हैं, उनका हम सब ने बहुत कोशिशों के बाद भी हम सम्मान नहीं बचा पाए। यहाँ जनता नहीं बैठी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कार्यकर्ता बैठा है, आप सब कांग्रेस की विचारधारा के लोग बैठे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो परिवार के क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो हमारी ग्राम पंचायत में जो हमारी समितियां हैं, जो बूथ कमेटियां हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो परिवार के लोग यहाँ आए हैं, मैं इतना ही कि ये बताओ कि बसूरिया क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी से कौन कौन आया, हाथ ऊंचे करो जरा। बसूरिया से कितने लोग आए, सब हाथ ऊंचे करो। जो बसूरिया से आए वो हाथ ऊंचे करो, आप सब हैं। फिर हुर्रई शहर से कौन कौन आए जरा हाथ ऊंचे करो। हर रही शहर से। अच्छा, फिर ये सुरला खापा क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी से कौन कौन आए, आप सब आए। फिर भोरी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी से कौन कौन आए, भमोरी से। अच्छा, ये तेदनी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी से कौन कौन आया है, तेमनी। फिर धर्मी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी से कौन कौन आया है। अच्छा, ये अमरवाड़ा क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी से कौन, हर से कौन कौन आया है। फिर ये घूमका क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी से कौन कौन आया है। अच्छा, फिर अंतरिया क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी से कौन कौन आया, अतरिया वाले। भटका खापा से कौन कौन आया। ये और कौन कौन भटका खापा वाले, हाथ ऊंचा करो। फिर चिचली क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी से कौन कौन आया, चिलक से कौन कौन आया। धनोरा से कौन कौन आया, धनारा से, धनोरा। अच्छा, मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है, ये पूछने का मूल भावना ये थी कि बहुत गंभीरता से चुनाव को लेना। ये जो पदाधिकारी है उनकी मैं मीटिंग अभी रात को लूंगा, और ये लगभग आज 8 तारीख को चुनाव का अंतिम दौर होगा, अंतिम दिन प्रचार का, और आज तारीख है 26, तो 4 और 12 दिन है। अब ये 12 दिन रात करेंगे, हर ताकत से एक एक परिवार का साथी भिड़ेगा, अपना बूथ कम से कम 150 से 200 वोट से जीतने की पात्रता को लक्ष्य के साथ काम करेगा। हर बूथ 200 से जीते, हम एक भी बूथ ऐसा जो 200 से नहीं जीत पाए, अगर उसके लिए दिन रात एक नहीं करेगा, तो मैं मानता हूं कि हम अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का और कमलनाथ जी का सम्मान नहीं लौटा पाए। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं कि बूथ की लड़ाई है, बहुत पैसे बांटेंगे, बहुत दारू बांटेंगे, बहुत डराएंगे धमकाएंगे, ये अधिकारी और कर्मचारी भी इसी काम पे लगे। जो आशावाड़ी की बहने हैं, जो आंगनवाड़ी की बहने हैं, जो कभी सरकार में है वो भी आपके पास आएगी, बहनों के पास आएगी, आपकी पत्नियों के पास आएगी, अलग अलग तरह की बातें करेगी। जो पटवारी है, जो ग्राम सेवक है, वो भी सरकार के कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, कलेक्टर भी एक तरह से बीजेपी का काम करेगा। उसके बाद भी आप लोगों को जीतना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना लड़ना पड़ेगा, कितनी आंखों में आंखें डाल के एकदम दृढ़ता से फिदायिनी तरीके से कांग्रेस की के पक्ष में काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज छिंदवाड़ा जिले की अरंबाड़ा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे, क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता अब यहां डेरा जमाने लगे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन शाह इनवाती के समर्थन में 3 दिनों तक लगातार अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ सीएम मोहन यादव की भी एक सभा होने वाली है। इसके अलावा दूसरे बड़े नेता भी यहां प्रचार में उतरने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ 2 जुलाई से प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में प्रचार करेंगे। जीतू पटवारी 26, 27 और 28 जून को कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन शाह इनवाती के समर्थन में प्रचार करेंगे। पटवारी के बाद खुद कमलनाथ मोर्चा संभालेंगे। खास बात यह है कि अब तक उपचुनाव में कमलनाथ का परिवार प्रचार से दूर रहा है, जबकि पटवारी ने पर्चा से लेकर प्रचार तक की जिम्मेदारी खुद संभाली है। पटवारी आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। हालांकि चर्चा है कि कमलनाथ 2 जुलाई को अमरवाड़ा में प्रचार करेंगे। पटवारी ने आज अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई में आयोजित ब्लॉक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। जीतू ने बताया कि छिंदवाड़ा लोकसभा की अमरवाड़ा विधानसभा सहित सभी विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी ने अद्भुत विकास किया, लेकिन हम लोग उनके सम्मान को नहीं बचा पाए। आज अमरवाड़ा विधानसभा का उपचुनाव लोकतंत्र और जनमत में अपमान का बदला लेने के साथ ही कमलनाथ जी के सम्मान का चुनाव है। हम सभी को इसमें अटूट मेहनत करना है। कांग्रेस के परिवारजनों का उत्साह और अमरवाड़ा के मतदाताओं का विश्वास बयों कर रहा है कि बीजेपी द्वारा किए गए लोकतंत्र की हत्या के कृत्य का इस उपचुनाव में करारा जवाब देने हेतु जनता तैयार है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे जी, विधायक सुजीत मिरसिंह चौधरी जी, विधायक विजय चौरे जी, विधायक नीलेश उइके जी, पूर्व विधायक संजय शर्मा जी, पूर्व विधायक सुनील जायसवाल जी, जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकते जी एवं मप्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।